नमस्कार भैया बहनी, अपना पंचर देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। बघेली कलाकार अविनाश तिवारी का आखिर न्यायालय में पहुंचकर अपन जमानत करावे पड़ी। इस समय वो चर्चा करत बताई कि सत्य परेशान हो सकत है लेकिन पराजित नहीं हो सके। हालांकि बघेली कलाकार न्यायालय में विश्वास जताई नहीं मैं और कही नहीं कि वो कोनो मेर से टिप्पणी न करी ही, लेकिन इतना तो तय है कि उनका बदनाम करे खातिर साजिश रची गई रही। बघेली कलाकार आरोप लगावे वाले के नाम तक नहीं लिहिन और कहें कि वो सब यह चाहा था कि हम उनका नाम ले जौने लोग उनका जाना। वह सोमवार का अविनाश तिवारी न्यायालय में पहुंचे रहे और अपन जमानत करवाई। यही समय में विराट 24 से चर्चा करत कहीं कि सत्य परेशान तो हो सकत है लेकिन पराजित नहीं हो सके। उनका कोर्ट पर पूरा विश्वास है और जे षड्यंत्र रचल लाहमा वो अपने मंसूबे में सफल ना हो पाई। अब ने बताया दी कि आरोप लगाए वाली युवती गाली गलौज के ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल करे रही है, जोने के बाद वो महिलाओं में पड़ोसी युवक अपने पत्नी का बहलाए फुसलाए के भगावे के साथ है कई और गंभीर आरोप लगाए रहे हम। इतना नहीं, दोनों पक्षन से गाली गलौज के ऑडियो वायरल भे जिसके बाद पुलिस अविनाश तिवारी के ऊपर मामला दर्ज करे रही है। आई अपनों को सुनाई थे अविनाश तिवारी का कुछ बड़ी बात कही नहीं भाई। आज आप न्यायालय आए थे, जो आपके ऊपर आरोप लगे थे, क्या फैसला हुआ? क्या जो आरोप लगाए गए थे तो हम इसीलिए कोई बयान नहीं देते क्योंकि हमको अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। तो हम यहाँ आए थे तो यहाँ हमारी जमानत हो गई है और ठीक है, क्योंकि हमको न्यायालय पे भरोसा था इसलिए हम यहाँ रखा है। जो सारे झूठे आरोप लगाए थे ये बदनाम करने के लिए, फंसाने के लिए लगाए गए। ये आपको बदनाम करने के लिए साजिश रची गई थी? तो ये कौन लोग हैं ये जो बदनाम करते हैं आपको? क्या है, काफ़ी लोग, हम इनका नाम नहीं लेंगे। नाम आपकी छवि खराब करने के लिए ये लोग नाम लेंगे तो ये जो चाहते हैं वो इनका हो जाएगा, नाम हो जाएगा, इसलिए इनका नाम नहीं लेंगे। अभी आप इस मामले में और क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। बुलेटिन के अगली खबर है रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के संबंध में, जो उनके अपने उल जुलूल बयान खातिर हमेशा चर्चा में रहा था, या फिर यह कह दे कि चर्चा में रहे खातिर यमे के उल जुल बयान देते रहा था। वहाँ कबो अधिकारियों का खन के गाड़े के दे के बात करा था तो कबो प्रधानमंत्री के दाढ़ी से आवाज झड़े के बात करा था। मामला ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आयोजित की गई रही राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार के आए, जहाँ मुख्य अतिथि के तौर में पहुंचे सांसद जनार्दन मिश्रा कहें कि लोगों से कहा थमा कि सरपंच घोटाला करे नहीं तो कह दे थमा कि अगर 15 लाख तक के घोटाला सरपंच करे हवे तो उनसे बात ना करा और अगर ऐसे अधिक के घोटाला करे है तब वो भ्रष्टाचार के श्रेणी में आवत है। काहे से कि 7 लाख लगाए के तो चुनाव जीता है और आवे वाले चुनाव में पुन के 7 लाख रुपया लगाई, साथ में महंगाई के 1 लाख रुपया और जोड़ ले तो 15 लाख तो कर रखें चाहिए और अगर ऐसे ज्यादा के गड़बड़ करत है तब वो जाए के भ्रष्टाचार की श्रेणी में आवत है। आई अपनों को सुनाई सांसद जी के बड़ा ज्ञान और यह सुनाई थे कि सांसद जी के बयान के बारे में सहारा अध्यक्ष गुरुमीत सिंह मंगू और कांग्रेस नेता रमाशंकर पटेल के का प्रतिक्रिया है। हम तो मजाक में कहते हैं, जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है तो मैं बोलता हूँ कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी माने। क्यों कि 7 लाख तो उसने ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है, यह परिस्थिति है। सांसद जी, आपकी ही सरकार पिछले 17 वर्षों से मध्य प्रदेश में काबिज है और 10 साल से आप सांसद हैं, ये इस तरह का शिक्षा आप चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, सरपंच, पार्षद व अन्य लोगों को दे रहे हैं, इससे यह बात सिद्ध होती है कि आप अपनी सांसद निधि से 25-30% की जो बात रीवा जिले के अंदर जग जाहिर है कि आप और आपका परिवार 25-30% कमीशन सांसद निधि की लेता है और साथ ही आपने भी कुछ पैसे, और ऐसे जनप्रतिनिधि पैदा हुए हैं जो जाने जाते हैं लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, और इसी रीवा जिले में
मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान समय में जो हमारे लोकसभा सदस्य हैं माननीय जनार्दन मिश्रा जी, उनका ये कहना कि 15 लाख से ऊपर का भ्रष्टाचार यदि सरपंच करे तो मुझसे शिकायत आप करो, ये एक लोक सेवक को ये शोभा नहीं देता। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि वो इस पृष्ठभूमि से हैं जो कभी शौचालय साफ करके अपने आप को सबसे गरीब बताकर और एक ऐसे गुरु के शिष्य कहे जाते हैं। बुलेटिन के अगली बड़ी खबर हवाई चौराहा थाना से, जहां एक किसान के हत्या कई के ओके शव का भूसी में गाड़ दीन गा, साक्ष का लुकवावे खातिर ओके चेहरा का जलाई दीन गा। घटना के जानकारी बिहन्ने भय तक क्षेत्र में सनसनी फैल गए। आनंद फानने में आसपास के रहने वाले लोग पुलिस का जानकारी दीन तो पुलिस मौके पर पहुंची और FSL टीम के बुलाए के साक्ष जुटावे के प्रयास करी। रीवा माही 34वां जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के आज फाइनल मैच SAF बॉयज के खिलाफ FC के बीच खेला गया। जौने मां SAF बॉयज 3-1 गोल से जीती और मैच के मुख्य अतिथि हर्ष सिंह बुढ़वा रहे। साथ मां अध्यक्षता डॉक्टर SS तिवारी करें। विशिष्ट अतिथि के तौर मां चीफ इंजीनियर हरभजन सिंह और लाल गुलाब मौजूद रहे। जिला फुटबॉल संघ के सचिव मोहम्मद कासिम खान अतिथिन का स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें। स्वर्गीय महाराजा मार्तण सिंह जुदेव के याद में ही फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन करावे का प्रस्ताव रखें। जौने का सर्वसहमति से महाराजा मार्तण सिंह जुदेव के नाम से अगले वर्ष राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के रीवा में आयोजित करावे के प्रस्ताव पर सभा पर सहमति प्रदान करी। अपने शहर रीवा माही ठेकेदारी कौने चरम तक चल लाही या केहू से लुका नहीं आए। नेतागिरी और जनसेवा कम, अपन ठेकेदारी ज्यादा चमकावल्ला। हम प्रशासनिक अधिकारी और नेतन के गुलाम बने हम, एक उदाहरण कैया बेर देखे का मिला हवा। और उठ बिहन ने मीडिया में कुछ ऐसा तस्वीरों डाली जाती हवा जोने माही रीवा के जिला कलेक्टर से लई के नगर निगम कमिश्नर तक नेतन के पीछे खड़े इनके ठेकेदारी व चले वाले कामन के विकास का गति दे मा अपन पूरा दमखम लगावा थमा। यह सबका मालूम है कि डामर में जमे से पहले अगर पानी पड़ जाए तो वह रोड सफल नहीं हो सके। पर ठेकेदारी के मनमानी तिजोरी भरे के इच्छा और राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षण के चलते बरिसों में डामर से सड़क बना बल्ला हमा। बारिश में ही डामर से सड़क बनाए के कौने मेर से जनता के गाढ़ी कमाई का अपनी तिजोरी में भरा चाल ला हबे। तबे आज के समाचार यहाँ तक, कल पुन पेश हो, तब तक के लाने देखत रही हमारविंद के पखेली समाचार। नमस्कार।